साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही सबसे पहले क्या करें? इन 8 बातों का विशेष रूप से रखें ध्यान। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज मंगलवार को लगा। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि कई कहावतें हैं कि सूतक काल में कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पंचांग और शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान कई कामों को करने की मनाही है। ऐसे में सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, इसको लेकर के भी कई बातें कही गई हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किसी प्रकार की पूजा नहीं होती, मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण के दौरान कई धार्मिक कार्यों के साथ ही दूसरे कामों को करने की भी साफ मनाही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो उसके असर कई जातकों पर पड़ता है। ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहले काम बताया गया है कि व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों को भी स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही घर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके दान करना चाहिए। दरअसल ग्रहण के बाद दान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार ग्रहण की समाप्ति के बाद तिल और चने का दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर गंगा जल छिड़के। इसके अलावा घर के अन्य हिस्सों को भी गंगा जल से शुद्ध करें। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके तुलसी के पौधे को गंगा जल से शुद्ध करें। सूर्य ग्रहण के बाद घर में झाड़ू पोछा जरूर लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की नकारात्मक से बचने के लिए तुरंत स्नान करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद देवी देवताओं के दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में ग्रहण के बाद मंदिर जरूर जाना चाहिए। बता दें कि पुराणों के मुताबिक ग्रहण के दौरान भोजन की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में मनुष्य जितना अधिक अन्न खाता है उससे उतने ही सालों में नर्क का दुख भोगना पड़ता है। हालांकि इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि भोजन विषैला हो जाता है। ऐसे में ग्रहण समाप्ति होने के बाद स्नान करें और भगवान के दर्शन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ग्रहण के दौरान पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेड ज़्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से भोजन विषैला हो जाता है। यही कारण है कि तैयार भोजन में तुलसी के पत्ते रख दिए जाते हैं। ग्रहणों के दौरान उपवास भी रखा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक तुलसी के पत्तों को तैयार भोजन में रखने से हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। तुलसी की पत्तियों के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। कुछ लोग ग्रहण के बाद तुलसी के इन पत्तों को खाते भी हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश के नहीं रहने पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। ये जीवाणु भोजन को खराब भी कर सकते हैं। यही कारण है कि ग्रहण के दौरान खाने की मनाही होती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर सूर्य ग्रहण के 1 घंटे पहले भोजन किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।